हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नेशनल लाई यूनिवर्सिटी उड़ीसा के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिशन कैसे लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, और यहाँ पे आपका एडमिशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ CLAT 2023। आपका एडमिशन जो है वो CLAT के बेस पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट वे कौन सी पे क्लिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू NLU उड़ीसा से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको SMS कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट आर एबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफ एंड द फॉलोइंग कंप्लीशन कैन बी सेंड टू रजिस्टर ऑफर। तो आपका जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है, 5000 रुपीज़ लग रहा है बोथ, यानी कि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों का। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपने के एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर आपका फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन सीट आपका रिलीज़ हुआ था सितंबर में, और आपका फर्स्ट ओपन कैंपस विजिट डेट फॉर रजिस्टर कैंडिडेट सितंबर 2022, और आपका सेकंड का 14 अक्टूबर 2022 और 22 अक्टूबर 2022 को रजिस्टर कैंडिडेट के लिए ओपन था। और यहाँ पे आपका लास्ट डेट रहेगा 13 नवंबर, और एग्ज़ाम आपका रहेगा 18 दिसंबर को। और यहाँ पे कुछ डेट जो हैं वो आंसर की, जैसे रिजल्ट का, काउंसलिंग का, एडमिशन क्लोजिंग डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जब अनाउंस किया जाएगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे चेक करते रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 8 अगस्त से रिलीज़ कर दिया गया है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल कर लेना है, और उसको यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है और एप्लीकेशन फ़ी पे कर लेनी है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो रहेगा ही जो आपने फिल किया रहेगा, और आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, और आपका यहाँ पे 3000 डिमांड ड्राफ्ट रहेगा 3000 का, और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगा, मार्कशीट रहेगा, उसका फ़ोटो कॉपी आपको वहाँ पे भेजना है। और यहाँ पे आपका दिया गया है वन सीट ऑफ पब्लिश्ड पेपर, माइक्रोग्राफ, मोनोग्राफ, आर्टिकल एंड बुक अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटियाँ हुई हैं। तो यहाँ पे BA LLB के लिए है, तो ये आपका 22 ईयर्स वाला मैक्सिमम एज इसके लिए 22 ईयर्स है LLB के लिए, और 5 ईयर्स का रहेगा। और यहाँ पे 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है 10+2 और किसी भी बोर्ड से। यहाँ पे दिया गया बोर्ड का नाम CBSE या फिर ISC या फिर स्टेट बोर्ड से। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, CLAT
आपने जो CLAT का एंट्रेंस टेस्ट दिया रहेगा, कॉमन लॉ एबिलिटी टेस्ट, तो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका देर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर CLAT, और आपका कितना मार्क्स होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में, आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे LLM के लिए दिया गया है, LLM के लिए LLM डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज लॉ स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से, और इसके लिए भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस CLAT है। और यहाँ पे आपका मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए 55% मास्टर इन लॉ में, और आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए। यहाँ पे MPhil और PhD के लिए दिया गया है, MPhil और PhD में MPhil में आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए मास्टर इन लॉ होना चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटर्न टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। और PhD के लिए यहाँ पे दिया गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और NLU ORET का के बेस पे आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका कुछ दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको PhD प्रोग्राम के लिए दिया गया है, इसके लिए आपका नीट या फिर JRF का रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया हो, और यहाँ पे आपको वेटेज भी मिलेगा, आप जो प्रेजेंटेशन देंगे उसमें उसका 50% वेटेज रहेगा आपका, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट की बात करते हैं, रिज़ल्ट कैसे आपको चेक करना है, रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम आपने जो दिया रहेगा CLET का, यानी कि कॉमन लॉ इंट्रेंस टेस्ट, उसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका डिक्लेयर्ड होगा, यहाँ पे दिया गया है 31 मई 2023 को, तो वहाँ पे जाके आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका UG प्रोग्राम के लिए 10+2 और आपका साथ में CLAT का स्कोर जो भी रहेगा वो उसके बेस पे आपका यहाँ पे UG प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा, और बैचलर डिग्री ला और CLAT स्कोर से आपका PG प्रोग्राम में, और मास्टर डिग्री इन ला का और 50% से कम नहीं होना चाहिए, और NLU ORET का स्कोर के बेस पे आपका मास्टर डिग्री इन लॉ में एडमिशन होगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स, तो अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।